तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय अजय वाई ओरिजिनल में। जैसे कि दोस्तों अभी हम आए हैं वाराणसी कैंट, इसके बाद यहाँ से जाएंगे मुगल सराय, उसके बाद वहाँ से पकड़ेंगे सुल्तानगंज के लिए ट्रेन। तो गाइस यहाँ पे आने के लिए बहुत अभी धूप बहुत काफ़ी बहुत तेज़ है और हालत ख़राब हो गया है अभी, और पानी नहीं बरसेगा तो इसमें और दिक्कत होगा हम लोगों को। भगवान से यही गुजारिश है कि पानी जल्द से जल्द बरसें। और गाइस अभी तो हालत ख़राब है आने में ही, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी हमारे साथ हैं गणेशु भाई, अभी आगे दिखाएंगे आपको ब्लॉग में। तो गाइस हालत तो एकदम डाउन हो गया है सच में, और चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन, इसके बाद वहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को, पहले यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं। तो गाइस ये देखिए वाराणसी कैंट है, वाले हैं भैया, कभी आइएगा तो इनके पास आइएगा ज़रूर, ठीक है। तो गाइस धूप बहुत तेज है, आप देख सकते हैं यहाँ से हालत ख़राब हो गया अभी। और ये हो गया आपका वाराणसी रेलवे स्टेशन। तो गाइस चलते हैं आगे, आगे चलते हैं इसके बाद दिखाते हैं। तो गाइस बहुत धूप है, जैसे कि मैं सॉरी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने घर से ब्लॉग नहीं बना पाया, बनारस आके बनाना पड़ रहा है हम लोगों को। और देखते हैं आगे भाई, धूप तो बहुत है, हालत ख़राब हो गया, आप लोग देख सकते हैं। सो दोस्तों जैसे कि ये है हमारे साथ गणेशु भाई, इस बार देवघर का ब्लॉग हम हैं और गणेशु भाई हैं, दोनों लोग साथ में चलेंगे, देवघर का यात्रा करेंगे, प्लस इसके बाद अभी तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलो भाई, गाइस ये वाराणसी कैंट है, आप लोग देख सकते हैं, और चलते हैं हम लोग आगे। गर्मी तो बहुत है भाई लोग, देखते हैं क्या होता है। यह है स्टेशन, अब यहाँ से पकड़ेंगे मुगल सराय के लिए ट्रेन बोलबम। नेक्स्ट स्टेशन चलते हैं, वहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं क्या माहौल है, कैसा है, आगे चल के बात हो। तो गाइस ऑटो मिल चुका है हम लोगों को, आप देख सकते हैं बाहर से, बाहर से कैसे दिखा है अब इधर से देख लीजिए, ऑटो मिल गया है और ये साइड के लोग हैं। अब यहाँ से चलना है हम लोगों को मुगल सराय के लिए, और गणेशु भाई थे इनको सही से नहीं मिलवाया, आप देख लीजिए। अब चलते हैं आगे का ट्रिप दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस हम लोग आ गए हैं चौका घाट चौराहे के पास, और अभी देखते हैं आगे चलते हैं, और कोई बढ़िया लोकेशन दिखाता है तो आप लोगों को ज़रूर दिखाते हैं, ओके। और फिलहाल ये भाई हैं हमारे ऑटो के ड्राइवर, मिल लीजिए आप लोग इनसे, आइएगा विजिट करिएगा। ए भोले। सो गाइस ये रहा कुछ मुगल सराय का नज़ारा, और कावरियो भी आ रहे हैं, अभी तो भीड़ चल ही रहा है। और ये हो गया माता रानी का दरबार, तो अभी नमो घाट आता है, दिखाते हैं आपको। तो गाइस ऐसे ऐसे नज़ारा है, आप लोग देखते चलिए। सो गाइस यहाँ से जाते हैं सब लोग नमो घाट के लिए। आगे ब्रिज पड़ेगा तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा नमो घाट। सो गाइस ये देखिए नमो घाट, अलग ही रुतबा है नमो घाट का। अगले साल दिखाया था, इस साल भी आप लोग देख लीजिए। पंडित दीनदयाल पहुँच चुके हैं, तो आए थे नाश्ता करने के लिए। और गणेशु भाई क्या खा रहे हो भाई? छोला समोसा भाई। छोला समोसा, तो वही छोला समोसा खवाई हो रहा है। इसके बाद पंडित दीनदयाल से ट्रेन है ब्रह्मपुर, और अभी 11:10 पे यहाँ से चलेगा, और बैठते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। फिलहाल अभी आगे से दुकान दिखा दे रहे हैं। तो गाइस ये यहाँ का सीन हो गया पंडित दीनदयाल का, और यहाँ पे हम लोग रुके थे नाश्ता करने के लिए, गंगा सागर मिष्ठान भंडार।
और चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं। सो भैया यहाँ पे नाश्ता के लिए क्या क्या रहेगा? आप नाश्ते के लिए भैया छोले समोसे हमारे पास, दुकान का नाम हमारी गंगा सागर मिष्ठान भंडार, छोले समोसे हैं लोग हैं ना। ये भैया कहाँ पे पड़ेगा? ये मुगल सराय, मुगल सराय पंडित दीनदयाल नगर भैया, VIP गेट पर। तो भैया यहाँ पे एक बार जरूर आइए, विजिट करिए, समोसे ताजे ताजे रहेंगे और छोले समोसे रहेंगे और मिठाई में भी बहुत आइटम है, पानी से लेके हर एक चीज़। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने नाश्ता किया, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। गणेशु भाई कैसा था? एक नंबर भाई, समोसा वमोसा एक नंबर का था, छोला भी एक नंबर था। फिलहाल ग्राहक भी हैं इनके पास, बहुत हैं और आप लोग सामने से फिर से देख लीजिए। तो गाइस ग्राहक कचाकच लगे हैं अंदर तक, और यहाँ पे आइएगा एक बार ज़रूर विजिट करिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और यहाँ से आगे चलते हैं, इस साइड से चलेंगे और आगे के लिए आगे स्टेशन लगा है, आप लोग देखिए। तो गाइस यहाँ पे अभी पब्लिक का भीड़ है, जमावड़ा लगा है, और ये हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो गाइस अभी चलते हैं अंदर, दिखाते हैं, हमारी ट्रेन लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और आगे देखते हैं। ये देखिए कांवरिया भी हैं, ये लोग पता नहीं रिटर्निंग हैं कि अभी जा रहे हैं, फिलहाल अभी देखिए। और ये हो गया आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। सॉरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और आगे चलते हैं हम लोग, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं, कावरियों से भरा है। और आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर भी जमावड़ा लगा है, बोले चलते हैं आगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, हम हैं गणेशु भाई है, अब देखते हैं ट्रेन आएगा या, मान लीजिए 11 बजे आएगा, 11:10 पे यहाँ से निकलेगा, अब देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है। फिलहाल अभी तो लेट नहीं हो रहा है ट्रेन, अगले साल गए थे तो 2 बजे पहुंचाया था, इस बार सही राइट टाइम पे है, तो देखते हैं कब पहुंचता है ये ट्रेन, इसके बाद आगे बात। यही ब्रह्मपुत्र है, इसी से हम लोग आए। तो गाइस हम लोग आ गए हैं सुल्तानगंज, और हम हैं गणेशु भाई है, और चल रहे हैं आगे। आगे का अभी बताते हैं क्या काम है, अभी काम बहुत है हम लोगों को। भाई अभी तक खाना नहीं खाया यार, खाना भूख बहुत तेज लगा है। ट्रेन में इतना भीड़ था, खाना भी नहीं खा पाए। अब आगे जा रहे हैं, रूम लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, तब चलेंगे यहाँ से। तो गाइस ये जैसे उतर रहे हैं हम लोग नीचे, ये बाबा का होटल दिखा रहे हैं एक बार, आप लोग देखिएगा। और गणेशु भाई नीचे उतर गया है, ये देखो ये इनका होटल है पूरा, बाबा का होटल। यहाँ पे कावर बन रहा है, सब मिस्त्री जन है। तो गणेशु भाई क्या बनवा रहे हो? ये इनका कावर बन रहा है दोस्तों, अभी देखिए बन के तैयार हो जाता है। और मेरा डेकोरेशन करवाना था, तो अभी डेकोरेशन करवाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी बम ये कहाँ पे पड़ता है
आपके पास आने के लिए कहाँ कैसे आएंगे? स्टेशन रोड से अच्छा हाँ, और गाइस अधिकतर करके बाबा रेस्ट हाउस में ही ज़्यादा लोग रुकते हैं, चाहे जहाँ के हो, काशी को चाहे जहाँ। मैं खुद ही 8 साल से आ रहा हूँ और गणेशु भाई का पहली बार है। इसके बाद ये उनका टावर बन रहा है और यहाँ पे अभी हमारा भी डेकोरेशन होता है, मैं दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि हम लोगों का टावर बन गया है और बोले बना दिए हैं और हम लोग काशी लेके जाएंगे तो पब्लिक यही पूछेगी कहाँ बना है टावर। हमारा तो सजा दिए हैं एकदम बढ़िया से और बाकी गणेशु का एक नंबर का टावर बना है, आप लोगों को दिखाते हैं कैसा लगा भाई। एक नंबर दिल ने यहीं पर ये भाई गणेशु का टावर है, देख लो हमको सबसे बेस्ट, बहुत बढ़िया लगा भाई। ये तो इसका हो गया एक नंबर का कावर है। सो गाइस ये हो गया हमारा, जो कि ये देखिए बहुत बढ़िया फूल है। आगे सांप सांप नहीं थे तो सांप आ गया और फिलहाल ये सब ठीक कराना था, ठीक हो गया है, भोले ने ठीक कर दिया और ये सब। और भाई ये इसको इतना बढ़िया बना दिए ना भोले, पूछो मत। और बाकी इधर सब यहाँ पे भी फूल लग गया और आगे नाग देवता है और भोले ने बनाया है। भोले के पास एक बार ज़रूर आइए, यहीं पे मैं लोकेशन डाल दूँगा आप लोगों को, आप लोग आराम से आ जाइएगा। सो जैसे कि गाइस हम लोग सुबह हो गया है, रेडी जा रहे हैं रेडी होने, इसके बाद यहाँ से जाएंगे सॉरी गंगा जी में नहाएंगे, इसके बाद वहाँ से जल भरेंगे हम और गणेशु भाई। और ये रात को सो गया और मैं भी सो गया, रात का ब्लॉग नहीं बन पाया। और गाइस हम लोगों ने होटल लिया था बाबा के होटल में, जो कि रूम मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये हो गया गणेशु भाई, इसके बाद यहाँ पे हो गया कावर, कावर तो रेडी है, बैग भी हम लोगों ने पैक कर लिया है। तुम्हारा बैग कहाँ है भाई? भाई लोड करके बैठा है। तो भाई सब ऐसे ही लेंगे हम लोग कावर, इसके बाद चल जाएंगे धीरे से। और ये रूम है, पूरा रूम का नज़ारा देखिए, पंखा है और ये बाबा भोजन के लिए संपर्क करें, यही सब लिखा है। ये कावर हो गया, तो जैसे कि दोस्तों की ये था रूम कुछ बाबा का होटल का। और गाइस वहाँ पे चाय बहुत VIP बनता है, अभी आगे लेके चलता हूँ। और यही सब हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया हाल है और अंदर से दिखा देता हूँ आपको। ये इसमें तो चाहो भाई दो दो लोग करके सो सकते हो या फिर और भी एडजस्ट कर सकते हो। ये हो गया रूम, यहाँ पे दो टो होल्डर मिलता है और पंखे के लिए एक मिलता है, बाकी बटन में लाइट वाइट के। जैसे कि दोस्तों ये है बाबा का चाय वाला ढाबा, जो कि मस्त है एकदम, एक नंबर का भाई। चाय तो भाई एक नंबर का बनाते हैं, बाकी ये सब है, ये सब है। ये छोटू भाई है, यही बैठता है यहाँ पे। और कौन कौन बैठता है? भैया बैठता है। भैया बैठता है, अच्छा। और गाय जहाँ पे ठंडा पानी भी चाहिए तो उसकी भी सुविधा है, नीचे कावर बनता है, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस जैसे कि हम लोग चाय पी रहे हैं अभी, कहाँ है या चाहिए? हाँ रुको। सो गाइस जैसे कि हम लोग चाय पी रहे हैं बढ़िया से मस्त एकदम, और चाय पी के तब निकलते हैं। और भाई ने चाय एक नंबर का बनाया है, मज़ा आ जा रहा है चाय पी के बाबा वाले में। और आप लोग एक बार रुकिए, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। गणेशु भाई कैसा टेस्ट है? एक नंबर का चाय है, आप लोग जरूर आके पीजिएगा। बार बार पीने का मन कर रहा है यार, जितनी बार बन रहा है ना उतनी बार पीने का मन कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं अभी आगे ऐसे ही चाय मिलता रहा तो मज़ा आ जाएगा। जय भोले। ये बताओ चाय किससे बनाना सीखे थे? भैया सीखे हैं चाय बनाने। एक नंबर चाय, जो चाय पत्ती डालते हो उसका रेसिपी कुछ बताओ पब्लिक को।
ताकि आए तुम्हारे दुकान पे। कौन सा चाय पत्ती रहता है? महारानी महारानी। अच्छा अच्छा तब बढ़िया सिस्टम है बोले। एक बार आप लोग आइए चाय पीजिए, चलते हैं बोले। जय बोले। तो गाइस ये जैसे उतर रहे हैं हम लोग नीचे, ये बाबा का होटल दिखा रहे हैं एक बार आप लोग देखिएगा। और गणेशु भाई नीचे उतर गया है, ये देखो ये इनका होटल है पूरा बाबा का होटल। यहाँ पे कावर बन रहा है, सब मिस्त्री जन है। अभी बाहर से नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। तो गणेशु भाई चले, जय भोले की। भाई देखो यहाँ से जल लेके जा रहे हैं पब्लिक, और उसके बाद यहाँ से ऐसे ही चलता रहेगा। तो भाई जल भरने जा रहे हैं हम और गणेशु भाई, बाकी इधर से सब जा रहे हैं यात्रा के लिए। और देखते हैं आगे का नज़ारा दिखाते हैं। लेकिन भाई भीड़ बहुत है, लाइन तो कम होने के नाम ही नहीं लेगा एक महीने तक, तब तक चल रहा है। ए गणेशु भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? गलत नोटिफिकेशन पहुँचा आपसे यार। तो गाइस ये रहा नज़ारा बाबा का, यहाँ सब हम लोग जल भरेंगे। ये सीढ़ी घाट के पास आने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ से जल लेके निकलेंगे बाबा धाम। अभी फिलहाल टाइम लगेगा एक दो घंटा, ये सब पंडित जी हैं। और आगे चलते हैं उसके बाद देखते हैं। सुल्तानपुर में हम लोग। सो गाइस ये हो गया आप? नहीं भैया, कहाँ से हैं हम लोग? भादोही से। सो गाइस ये है सीढ़ी घाट का चौक, यहाँ से सब भी कावरिया रहते हैं। और उसके बाद ये चारों साइड है, और यहाँ से आगे से जल भरते हैं, फिर यहीं से बाबा धाम के लिए जाते हैं पूरा। इसके बाद आगे का भीड़ देखिए गाइस, भीड़ तो बहुत चौचक है। बस कहीं देखिए, देख रहे हैं भाई कितना भीड़ है। और भाई यहाँ का डेकोरेशन देख लो आप लोग, क्या डेकोरेशन है। तो गाइस चलते हैं, और भीड़ देखिए एक बार भाई, भक्तों की कतार टूटी नहीं रही है। एक साइड से जा रहे हैं तो एक साइड से आ रहे हैं। ये जा रहे हैं जल लेके भोलेनाथ के पास। बोल बम का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। और भाई भीड़ तो बहुत है, एक हिसाब से देखा जाए 2023 के मामले में इसमें बहुत भीड़ है। गाइस यहाँ पे बोल बम का नारा लगते हुए ये देखिए इस बार का नज़ारा कुछ अलग ही हिसाब से है। यहाँ पे बाबा धाम का नज़ारा, और यहाँ से आगे चलते हैं। चलो बोले। ये है आपका अजगैबीनाथ घाट, यहीं से मंदिर भी है हाल ही में।
और यहाँ पे अगर होता है मनोरंजन का कार्यक्रम। सो गाइस, ये है श्रावणी मेला 2024, यहाँ का नज़ारा देखिए आप लोग। तो गाइस, धूप तो बहुत हो चुकी है, गलती कर दी हम लोग, सुबह के टाइम ही निकलना चाहिए था। और यहाँ पे भीड़ देखिए एक बार। सो गाइस, यहाँ पे रात को रंगारंग मनोरंजन रहता है कावारियों के लिए, और सिंगर भी आते हैं। हो सके तो, सुनने में आ रहा है कि अरविंद अकेला कल्लू भी आएंगे उसके बाद। सो गाइस, अब हम लोग जल लेने चल रहे हैं अभी, अब बहुत धूप हो चुका है, जल लेके चलेंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसे सिस्टम है। तो जैसे कि ये उत्तरवाहिनी गंगा जी हैं, यहाँ पे देखिए भीड़, भीड़ बहुत है बाबा के भक्तों का। यहीं से सब लोग जल ले रहे हैं, इसके बाद जा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे हो रहा है शुद्धिकरण। और फिलहाल ये देख लीजिए गंगा जी, वो ब्रिज जो बना था वो टूटा था, वो भी है। तो गाइस, ऐसे ही सिस्टम। रुक जो बे। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जल बनने के लिए, ये महाराज जी मिले। महाराज जी, आपका नाम क्या हुआ? पंडित अंकज मिश्रा। तो गाइस, यहाँ पे आइएगा एक बार, इनसे जरूर मिलेगा। अभी तो हम लोग देख रहे हैं, अभी पहले अब कैसे संकल्प पर आते हैं ये तो इनके ऊपर है, वीडियो बनेगा। और हाँ, बताइए पंडित जी क्या कह रहे हैं। पहले आप लोग अपने सामान, झोला, थैला, बटुआ, मोबाइल के पास एक आदमी रहिएगा, बारी बारी से स्नान कीजिए। अच्छा, सामान की सुरक्षा अपने, सामान की सुरक्षा आप खुद कीजिए। ओके, ठीक है पंडित। पंडित जी बहुत बढ़िया। पंडित जी अपना नंबर, पंडित जी अपना नंबर बता दीजिए। 9939983636। ये कहाँ पे आना पड़ेगा? ये सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट। तो भैया लोग, यहाँ पे सामान मिल जाएगा, यहाँ पे सामने गंगा जी का दर्शन करिए और यहाँ पे आइए, अपना संकल्प कराइए। पंडित जी बहुत बढ़िया करा रहे हैं, और जितना जल्दी हो सके आप लोग आइए, क्योंकि अभी सावन मास चल रहा है, दर्शन करेंगे भोले बाबा का। आप लोगों को शुभकामनाएं। तो गाइस, हम लोग यहाँ, ये मेन रोड से आए, यहाँ से हाईवे से, और इसके बाद यहाँ से हम चला यहाँ से आए। तो अब ये यहाँ से बालू वाला रोड मिल गया, अब ये सब पूरा ऐसे बालू से चलेंगे। और ये गणेशू है, और अभी हम दिखा रहे हैं, अभी चलना है बोले याद यार। तो गाइस, ये आ गया बोलबम, ये आ गया रोड। जैसे कि दोस्तों, हम लोग आ गए हैं, पहला स्टॉप लिए हैं वही जो पुल है, सुल्तानगंज का पुल है, जो यहाँ पे बालू वाले पे आते हैं, वहाँ से हम लोग स्टॉप लिए हैं, बैठे हैं। और गणेशु भाई भी है, अभी काम कर रहा है थोड़ा, उसके बाद इसको दिखाते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग स्टॉप लिए हैं आगे के लिए, अभी कोशिश है। तो ये गाइस, पहुँच चुके हैं हम लोग अभी यहाँ से देवघर, 105 किलोमीटर बता रहा है। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं भाई, पता ही नहीं चलता। आगे पंचान में लिखे थे सुल्तानगंज साइड, अब 105 किलोमीटर हो गए, पता नहीं कौन सा नशा है। और ये कवरिया पथ है, अभी हम गणेशू रुके हैं खाना खाने के लिए। और क्या बम, क्या किस लिए रुके हैं? बस भोजन करने के लिए भाई, भोजन करने के लिए रुके हैं। ये हो गया आपका कवरिया पथ। यहीं रुके हैं खाना खाने के लिए। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजय जे भाई ओरिजिनल में। जैसे कि दोस्तों, अभी हम लोग आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे भाई? भाई आराम हो रहा है, आराम थोड़ा बहुत हो रहा है। और गाइस, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख लो, रात हो चुकी है, रात हो चुकी है, और हम लोग थोड़ा सा लेटे थे। 18 किलोमीटर चले हैं बोले, 3 किलोमीटर है तारापुर, वहाँ से हम लोग उसके 3 किलोमीटर पहले ही रुके हैं, क्योंकि थकाई लग गया था। एक घंटा का टारगेट दे रहा हूँ। और दोस्तों, अभी हम लोग आराम कर रहे हैं। भाई किलोमीटर कितना है भाई? पूछो मत, आगे कुछ दिखा रहा है और पीछे कुछ दिखा रहा है। जैसे मान लो आगे दिखा रहा है कि बाबा धाम 35 किलोमीटर,
तो उसके बाद दिखा रहा है बाबा धाम 80 किलोमीटर, इतना इतना अंतर है, अब सोच लो। तो भाई यहाँ पे आना किलोमीटर के चक्कर में मत आना, जब तक बाबा धाम ना पहुँच जाओ तब तक किलोमीटर का चक्कर छोड़ दे। ओके गाइस, तो चलिए अभी आगे का नज़ारा रात को दिखाएंगे। अभी हम लोग नहा धो के पूजा पाठ करके तब यहाँ से निकलेंगे। जय भोले की।